अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे काले चने की चाट एक नए अंदाज से। तो आप भी देखें और इसे ज़रूर ट्राई करें। शुरू करते हैं। फ्राई पान में ना ये ऑयल डाल दिया, थोड़ा सा डालना है। ये बड़े मज़े के और भुने हुए एक नए तरीके से चाट बनती है, काले चने की भी दूसरे की भी। इसमें ज़ीरा डालने, मिर्ची बारीक काट के आप इसमें शामिल करें खुशबू के लिए। थोड़ा सा नमक डालना है क्योंकि चने बॉयल करते हुए मैंने नमक शामिल किया था। आधी चम्मच कुटी हुई लाल मिर्ची, थोड़ी सी हल्दी इसमें शामिल करेंगे कलर के लिए। बस ये चीज़ें। पास में ये थोड़ा सा पानी शामिल करके इन मसालों को थोड़ा सा हिला लिया। इसी में हमने काला नमक शामिल करेंगे, ये काला नमक थोड़ा सा, और चाट मसाला आधी चम्मच हम इसमें शामिल कर देंगे क्योंकि चाट मसाला, और थोड़ा सा पानी शामिल करके इसको मिक्स कर लेना पानी। और ज़ीरा देखें हो गया ब्राउन और खुशबू आने लगी है, तो अब हम इसमें ये शामिल करके इसको हिला लेंगे। ये मसाला अच्छी तरह से भून लेते हैं। मसाला ये भूनने वाला, अब हम इसमें चने जो काले चने बॉयल करके रखे हैं वो शामिल करेंगे एक प्याली जितना, और साथ ही इसमें हम शामिल करेंगे इमली जो है, ताकि मुझे इमली के पानी में पकेगा। इमली के पानी में हो जाए फिर इसको ठंडा करते हैं। ऐसे ये देखिए मसाला सारा भून गया और सारे चनों को अच्छी तरह से लग गया। अब हम इसमें शामिल करेंगे ये आलू बॉईल करके, इसको हमने स्लाइसेस में काट कर उबालना, फिर मिक्स कर लेंगे। कम लगे तो कम ज़्यादा आप कर सकते हैं जितना आप लोगों को पसंद हो। अच्छी तरह से आलूओं को भी मिक्स करें ताकि ये सारा मसाला उसमें भी लग जाए। आपने चाट मुख्तलिफ तरीक़ों से खाई होगी लेकिन ये वाली चाट आप ज़रूर ट्राई करके देखें, बहुत मज़े की बनती है। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम अब फ्लेम को बंद कर देंगे और फिर हम इसे डिश आउट करते हैं। ये हमने डिश आउट कर ली। अच्छा अब इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ा सा खीरा और इसे फिर मिक्स कर लेते हैं। ये शिमला मिर्च, टमाटर ये भी चॉप किए हुए, और प्याज, क्योंकि प्याज के बगैर तो चाट बिल्कुल नामुकम्मल है। और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसके ऊपर चाट मसाला शामिल करते हैं। मसाले ऊपर से चाट मसाला हमने शामिल कर लिया। ये नहीं जी हमारी एक पापड़ी। अच्छा पापड़ी मैंने बना के रखी हुई थी, ये आपने हाथ से तोड़ के क्रंची क्रंची से ये पापड़ी इसमें शामिल कर ली। बहुत मज़े की ये चाट बनती है, आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें। आपको अगर मेरी ये रेसिपी पसंद है तो
मेरे चैनल पे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपनी दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह जल्द नई रेसिपी के साथ फिर आपसे मुलाकात होती है। ओके, अल्लाह हाफिज़।